प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबर के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा संजय दत्त के फिल्मी करियर से जुड़ी एक कहानी, जिसमें पिता ने मूवी में उन्हें दिया बेटे को सफल होने का आशीर्वाद और एक झटके में ट्रैक पर लौटा उनका करियर, 11 साल बाद दे डाली हिट फिल्म। तो दोस्तों, क्या कुछ ये वाकया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बस आपसे एक ही गुजारिश है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबर ऐसे ही सुनने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इमोशनल मोमेंट के बारे में बताएंगे जिसमें मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त की जिंदगी बदल दी। हिट फिल्म का एक सीन संजू बाबा शायद कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि फिल्म में एक सीन के दौरान निकले उनके पिता के शब्द संजय दत्त की जिंदगी को ट्रैक पर ले आए थे। कौन सी थी वो फिल्म, क्या था सुनील दत्त के साथ, आपको आइए बताते हैं। बॉलीवुड के सितारे अक्सर फैंस के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। कई बार फिल्मों में कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी से जोड़ लेते हैं। ये सीन हमें अपनी असल जिंदगी की घटनाओं को एहसास कराते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इनमें बॉलीवुड के स्टार्स नहीं बल्कि खुद हम जी रहे हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ फैंस के साथ नहीं होता, कई बार बॉलीवुड के स्टार्स के लिए भी उनकी फिल्म जिंदगी का हकीकत बन जाती है। फिल्म के सीन के दौरान कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स बन जाते हैं जो बॉलीवुड के सितारों की जिंदगी बदल देते हैं। आज हम आपको ऐसे एक इमोशनल मोमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें मुन्ना भाई यानी संजय दत्त की जिंदगी बदल दी थी। हिट फिल्म का एक सीन संजू बाबा शायद कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि फिल्म में एक सीन के दौरान निकले उनके पिता के संजय दत्त के पिता यानी सुनील दत्त के जो शब्द थे, जिसकी वजह से संजय दत्त की जिंदगी को ट्रैक पर ले आए थे। आइए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की हिट फिल्म मुन्ना भाई MBBS की, जो कि साल 2005 में आई थी। ये फिल्म संजय दत्त के करियर का माइलस्टोन साबित हुई थी। आज भी संजय दत्त के फैंस अपनी असल जिंदगी में लोगों को जादू की झप्पी देते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आप शायद यह नहीं जानते हैं कि इस फिल्म की जादू की झप्पी ने संजय दत्त के करियर को पूरी तरह से बदल दिया था। दरअसल संजय दत्त का अपने पिता सुनील दत्त के साथ बेहद गहरा प्यार था। संजय कहते हैं कि उनकी जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में उनके पिता उनके साथ मजबूती से खड़े रहे हैं और उन्हें भी मजबूत बनाया है। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब पिता सुनील दत्त ने संजू बाबा का साथ छोड़ दिया था। लेकिन उससे पहले सुनील दत्त संजू बाबा के साथ फिल्म मुन्ना भाई MBBS में दिखाई दिए। इस फिल्म में सुनील दत्त ने संजू के पिता का किरदार निभाया था और ये फिल्म सुनील दत्त की आखिरी फिल्म साबित हुई। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस फिल्म के एक सीन से कैसे संजू बाबा के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दरअसल मुन्ना भाई MBBS से पहले संजय दत्त की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और उनका करियर सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। मुन्ना भाई से पहले उन्होंने एक के बाद एक लगातार 6 सुपर फ्लॉप फिल्में दे डाली थी। इसमें संजय दत्त की फिल्म पिता, हम किसी से कम नहीं, हथियार, अनर्थ कांटे और एक और ग्रह शामिल है। इनमें से एक मूवीज का तो शायद आपको नाम भी पता नहीं होगा। लेकिन लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद संजू बाबा बेहद परेशान थे। इस बीच उन्हें मुन्ना भाई MBBS का रोल ऑफर हुआ। जब उन्हें पता लगा कि उनके पिता भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संजू ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने इस फिल्म के दौरान उनके पिता के साथ जैसे एक पूरी जिंदगी जी ली हो। आज जब हम फिल्म देखते हैं तो उनके पिता के साथ बिताए सबसे बेस्ट मोमेंट उन्हें याद आ जाते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में उन्होंने सुनील दत्त के साथ बेहद शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही फिल्म के अंत में सुनील दत्त ने एक सीन में उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा अपने जीवन में सफल रहें। फिल्म के लिए निकला बेटे को आशीष रियल में लग गया और उनका करियर ऊंचाई पर पहुंचा। फ्लॉप और डिजास्टर फिल्मों के बाद मुन्ना भाई MBBS हिट साबित हुई और यहीं से संजय दत्त के करियर ने नई उड़ान भरी। एक इंटरव्यू के दौरान संजय दत्त ने बताया कि वे मानते हैं कि उनके पिता का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है और उनके आशीर्वाद के चलते ही उनकी कई फिल्में लगातार हिट साबित हुईं। हम आपको बता दें कि मुन्ना भाई MBBS के बाद फिल्म का सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई भी आया, जिसे दर्शकों का खासा पसंद दर्शकों ने किया और मूवी जबरदस्त हिट रही। तो दोस्तों, ये था वाकया जिसके में आशीर्वाद दिया था सुनील दत्त ने संजय दत्त को, और उसके बाद अब तक वो जितनी भी फिल्में दे रहे हैं लगभग हिट ही हो रही है और सफल हो रही हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबर के साथ हाजिर होते रहेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।